उज़बल रहीम Very वेरी uh, वनरेबल uh, we वी आर टू शेयर strategies फॉर uh, development ऑफ uh, resilience इन यंग चिल्ड्रन बच्चों के लिए बहुत सारे ऐसे मौाक़े मौजूद होते हैं जिसमें वो मैक्मम अपरचुनिटीज़ uh, को अवेल कर सकते हैं लेकिन दे आर नाट विजिलेंट अबाउट दैट तो इट इज़ अवर रोल दैट वी मेक दैम टू चूज़ मैक्म एंड अपटीमाइज दी अपर्चुनिटीज़ और उसमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको वो अपनी जिंदगी के अंदर अपनाएं और जो नेगेटिव आस्पेक्ट्स हैं उसको इग्नोर करें बच्चे जो है ना बाजू का तो उनको चूँकि उस तरह से तरबियत नहीं होती या डायरेक्शन नहीं मिल रही होती तो वो मनफी जो चीज़ें हैं जो मनफी असरा भी उनके मुरतब होते हैं तो उनको ज़्यादा तवज्जो देने लगता है और उसकी वजह ये होती है कि द अदर पीपल आर मेकिंग देम टू लीड टूवर्ड्स दैट एंड डिफिकल्ट सिचुएशंस जैसे आप नहीं कर सकेंगे आपने फ्ला भी ऐसा ही हुआ था वो बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल जब वो दे गॉट लिसन अदर्स तो उसमें उनको प्रॉब्लम भी होती है कि दे बिकम मोर ट्रेंड वाइज टूवर्ड्स दैट एक्टिविटीज़ और उनकी वो लिसनिंग उस तरफ टल्टेड हो रही होती हैं तो इसमें हम उनको ये तरबियत देते हैं ये डायरेक्शन देते हैं कि यू कॉन्सनट्रेट ऑन योर पॉजिटिव एबिलिटीज़ एंड पॉजिटिव आउटलुक यू हैव यू हैव गुड एबिलिटीज यू हैव गुड अपॉर्चुनिटी टू डू इट और जो नियमते हैं उसका शुमार कर लिया जाए तो बाकी चीज़ें जो है न वो उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं इसमें Uh, हम uh, ये भी uh, देख रहे होते हैं कि हाउ दे आर फेसिंग अदर्स इस तरह की चीज़ों को वो क्या uh, करीजियसली दे ले रहे हैं या फिर यह है कि दे आर बिकमिंग डिस्करेज तो ऐसी सूरत में हमें उन्हें पॉजिटिव आस्पेक्ट्स उसमें से निकाल के बताने चाहिए कि दीज आर द गुड्स यू कैन यूटिलाइज इट एंड दीज आर द फोर्सेस यू हैव और उसमें uh, उसको हम इनक्रेज कर सकते हैं और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वी सिट विद दैन एंड वी टू डिस्कस दो पॉजिटिव पॉइंट्स और जिसमें उनको हम इंश्योर कर सकते हैं कि यू हैव दिज एबिलिटीज़ एंड यू हैव यूटिलाइज द दोज एबिलिटीज इन द प्रीवियस एक्सरसाइज और उस एक्सरसाइज में उसमें जो उसको कामयाबी हासिल हुई उसमें हमने उसको फीडबैक अगर पहले भी दिया है तो वी कैन रेफर इट दैट पर्टिकुलर फीडबैक और अगर उसमें कुछ ऐसी बात हो जो हमें लगे कि वी आर अनएबल टू रिकनसाइल एट दैट पॉइंट तो हम उसमें एम्फेसाइज कर सकते हैं एंड विल सी के अगर कोई टास्क में तब्दीली आती है बाजा अवकात वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो पर्सन बिकम हेजिटेंट दैट हाउ आई कैन आई हैव नो एक्सपीरियंस अबाउट इट बट वी कैन हेल्प दैम दैट यू टू एक्सेप्ट द चेंज और चेंज जो है ना उसमें कोई बड़ी उसमें बेसिक चेंज नहीं होती बल्कि यह है कि कुछ उसका आउटलुक चेंज हो रहा होता है लेकिन बुनियादी तौर पर असूल और रामता जो है न वो वही होता है इसमें आ, हम बाज़ात अगर चेंज है तो चेंज में आ, आ, अगर उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स को टिल्ट करना पड़े या उसके उसकी मदद करनी पड़े तो हम उसमें उसकी हेल्प कर सकते हैं और अगर कोई ऐसी सूरत नज़र आ रही है कि दैट इज़ अनअटेनेबल तो उसमें यह है कि हम उसके जो गोल्स हैं उसको मिनिमाइज़ करके या उसके कंपोनेंट बना के तो हम कुछ हिस्सा उसका अकम्पलिश करने के लिए कह देते हैं और जो बाकी चीज़ें हैं उसके लिए फिर उसमें वी लेट दम इट फॉर द डिस्कशन एंड फॉर द अदर टाइम कि हम उसमें कुछ और उसके सल्यूशन की तरफ जाएं और uh, हम देखें कि व्हाट्स गोइंग ऑन वेल जो जो चीज़ें बेहतर हो रही हैं उसको जानना बड़ा ज़रूरी है वट एवर वी हैव डन इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब uh, कोई अपना uh, पेपर अटैम्प्ट करने लगे तो उसमें आसान चीज़ें पहले करें ताकि आपके अंदर हमारे अंदर एक ऐसी एबिलिटी पैदा हो जाए जो हमें इनक्रेज करे टू रेनफोर्स करे और हम एक्साइटेड हों और हमारी अनर्जीज रिकनसाइल हों एंड वी आर एबल टू मूव सक्सेसफुली टूवर्ड्स द कम्प्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क और हम ऐसे एक्शंस करें जिन एक्शन से वी सेटिस्फाइड ओवर सेल्फ वी एनेबल ओवर सेल्फ टू बी वेल एस्टैब्लिश्ड For the accomplishment of uh, that particular task. Thank you very much for being with us.